सूबे के मुख्यमंत्री आज कालसी पहुंचे, जहां उन्होंने कालसी में आयोजित यमुना शरदोत्सव खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद रही। कालसी पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्षेत्रीय जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के बीच हुई पहुंचकर उनके बीच में हौसला अफजाई की। वहीं दूसरी ओर इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा सरकार के सशक्त और कठोर नकल रोधी कानून लागू किया गया है। नवभारत समाचार कालसी से महेंद्र तोमर की रिपोर्ट। न्यायालय में मामला गया था और माननीय न्यायालय ने कहा कि सारी जांचें जी के पास से हो रही हैं, कि सात लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जहां जहां की शिकायतें आई सारी रद्द हो चुकी है। हम लोग हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून यहां पर लेकर आ गए हैं, इसलिए सभी छात्रों को छात्राओं को हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सब परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सब परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी। सभी हमारे बच्चे बेटे अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे, कैलेंडर पहले ही घोषित हो चुका है। कोई भी शंकाएं थी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। कोई भी बहकावे में न आए, किसी प्रकार की जो चीजें हैं बरगलाने वाली उनमें न पड़े। अपने भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी परीक्षाओं में भाग लें और जो बच्चे योग्य होंगे, काबिल होंगे, उनको पारदर्शिता के आधार पर सबका चयन होगा।